कभी किसी को जज मत करो। एक डॉक्टर अपने अस्पताल में तत्काल सर्जरी के लिए आया, बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी। उसने अपने कपड़े बदले और लड़के के पिता को उसका डॉक्टर का यानी इंतजार करते हुए पाया। डॉक्टर को देख के लड़के के पिता बोले, आपको आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया है, क्या आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? डॉक्टर ने उनसे माफी मांगी और कहा, मैं अस्पताल में नहीं था, मुझे जैसे ही कॉल आई मैं तुरंत अस्पताल में आ गया, आप शांत रहे और मुझे मेरा काम करने दे। लड़के के पिता को गुस्सा आया और बोले, शांत कैसे हो जाऊं, अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा मर रहा होता क्या आप जब क्या करते आप? घंटे की सर्जरी के बाद उनका बेटा बच गया और डॉक्टर बाहर आके बोले कि आपका बेटा बच गया है, और बिना कुछ बताए और सुने वह कह के वहाँ से चले गए कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप नर्स से पूछ लेना। पिता ने नर्स से टिप्पणी करते हुए कहा, ये डॉक्टर कितना घमंडी है, थोड़ा भी नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में इनसे पूछ लेता। नर्स ने उस आदमी को उत्तर दिया कि कल एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब के बेटे का निधन हो गया और वह अपने बेटे को अस्थियां जलाई रहे थे कि जभी तुरंत हमने इनके पास कॉल करी और वह डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गए और अब वह उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। जब नर्स ने उनको बताया कि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया था, डायरेक्ट आपके बेटे की सर्जरी के लिए आ गए, तो वह आदमी बहुत ज़्यादा शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया था और उसको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि कोई कितनी कैसी स्थिति में है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें। स्टे सेफ, स्टे होम।